नमस्कार, आज हम जिस विषय का अध्ययन करेंगे वह है पढ़ने के लिए वातावरण का सृजन। तो ऐसा कौन सा वातावरण है जिसमें बालक ज़्यादा अच्छे से सीख सकता है? ये सीटेट का आपका पॉइंट भी है और थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि सीखने के सिद्धांत तो हम पढ़ते हैं लेकिन ये नहीं जानते कि सीखना एक वातावरण में होता है और उस वातावरण का निर्माण एक शिक्षक को करना तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए जब आप इस प्रकार के प्रश्नों को हल करते हैं, क्योंकि ये वास्तविक आपका जो क्षेत्र होता है कार्य क्षेत्र उसमें बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि बच्चों के जो वातावरण है, जो बच्चों के आसपास का जो इन्वायरमेंट है उसको आप कैसे ज़्यादा मॉडिफाई करेंगे, कैसे सृजनात्मक बनाएंगे और साथ ही साथ कैसे एक अच्छा प्रभावशाली वातावरण का निर्माण आप करेंगे। तो इसमें मिलर व डोनाट का एक सेंटेंस है कि सीखने के लिए व्यक्ति को किसी वस्तु की आवश्यकता का अनुभव होना चाहिए, उसे कुछ देखना, समझना, करना और अंत में कुछ प्राप्त करना चाहिए। अर्थात जो सीखना है वो बिना किसी आवश्यकता के नहीं होता, इसलिए सीखने में अभिप्रेरणा का भी बहुत बड़ा रोल होता है। इसके अलावा जो हमें देखना है कि कैसे सीखता बच्चा, तो जब पहले जो पहला स्टेप होता है सीखने का तो वो होती है आपकी अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा में पहला स्टेप होता है आपकी आवश्यकता, तो आवश्यकता चालक और प्रोत्साहन ये अभिप्रेरणा के चरण होते हैं क्योंकि तब तक कोई व्यक्ति अभिप्रेरित नहीं होगा जब तक उसे कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ जब आवश्यकता होगी तो वो बालक जो होगा वो अभिप्रेरित होगा। तो एक अभिप्रेरित आपको स्टूडेंट रखना है, तो अगर वो खुद से अभिप्रेरित हो तो ठीक है, नहीं तो आप उसको अभिप्रेरित करेंगे किसी न किसी रीज़न से। जैसे आप पुनर्मिलन भी देते हैं अभिप्रेरणा के लिए, उद्दीपक या उसकी आवश्यकता के अनुरूप उसको मोटिवेट करते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं, बहुत महान व्यक्तित्व के बारे में बताते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बालक को अभिप्रेरित करने के लिए पर्याप्त होती हैं। लेकिन यहाँ एक सृजनात्मक रूप से आपको बालक को अभिप्रेरित करना, आपको मान के चलना है कि वो कम मोटिवेटेड या नहीं है मोटिवेटेड, आपको उसको क्या करना है, मोटिवेट करना है। इसके बाद जो आपका चरण होता है वो होता है गोल। तो हमें एक लक्ष्य निर्धारित करना है। अब देखिए, इसीलिए हम उद्देश्य बनाते हैं कि उन उद्देश्यों के सीढ़ियों से चढ़कर हम लक्ष्य की प्राप्ति करेंगे। जैसे बालक को शिक्षित करना हमारा गोल होना चाहिए या पर्टिकुलर टॉपिक को उसको सिखाना उसका हमारा गोल होना चाहिए। तो दूसरा इसका महत्वपूर्ण बिंदु होता है प्रेरणा के बाद लक्ष्य की लक्ष्य एकदम निश्चित होना चाहिए, तभी हम वातावरण का सृजन कर सकते हैं। फिर इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है अवरोध या बाधा, बैरियर जो आपका होता है। बैरियर में क्या होता है आपको पता होना चाहिए। जब भी हम बैरियर की बात करते हैं तो ये नहीं कि हम उस चीज़ को रोक दें, ऐसा कुछ भी नहीं। बैरियर क्या होता है, हमें सही दिशा में रहता है। जैसे आपने देखा एक अभिप्रेरित व्यक्ति, और वो अगर उसको किसी समस्या में रखा जाए, समस्यात्मक परिस्थिति में या कुछ भी रखा जाए तो वो अनुक्रिया करता है। जैसे चूहा किया था तो वो कई प्रकार की अनुक्रियाएं किया था, जैसे बिल्ली ने किया था तो वो गलत भी अनुक्रियाएं करता है, लेकिन जो बैरियर होता है उसको सही डायरेक्शन में पहुंचाता है गोल की तरफ। इसलिए इसमें सीखने में बैरियर भी बहुत आवश्यक तत्व होता है। एक समस्यात्मक परिस्थिति होती है जिससे बालक सीखता, अर्थात बैरियर का होना ज़रूरी है। क्योंकि हम देखते हैं कि समस्या समाधान विधि से सीखना सबसे अच्छा गहने ने भी माना है, अर्थात वो भी क्या बैरियर लेते हैं, कौन सी बैरियर, एक समस्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है बच्चे के सीखने के लिए एक बैरियर का होना। ठीक है, नेक्स्ट जो पॉइंट आपका है वो इम्पॉर्टेंट है, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, इसको VR कह सकते हैं। तो यहाँ पे वेरियस रिस्पॉन्स जो करता है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे बिल्ली ने किया था, बिल्ली ने कौन कौन सा रिस्पॉन्स किया था, वो क्या कर वो आपके पिंजड़े के पास गई, सलाखों के बीच से निकलने का प्रयास किया, सलाखों को हिलाया, तो वेरियस वो रिस्पॉन्स करते हैं। यहाँ पे देखिए वो जो अभिप्रेरित व्यक्ति है वो समस्या को समाधान के लिए वेरियस रिस्पॉन्स करता है, लेकिन जो बाधा है जैसे वो पिंजड़ा उसको तोड़ने के लिए सही रिस्पॉन्स क्या होता है, उस लीवर को दबाना। तो वो रिस्पॉन्स सिखाना था उसको, अर्थात हमें सिखाना था कि वो किस प्रकार से आपका खोलती है, किस प्रकार से लीवर को दबाना सीखती है। तो हमने बैरियर लगाया था और उस बैरियर से उसने लक्ष्य की प्राप्ति की, तो इसलिए वेरियस रिस्पॉन्स भी बालक करता है। इसके अलावा जो आपका इम्पॉर्टेंट फैक्टर है वो है यहाँ पे पुनर्बलन। तो पुनर्बलन या सबलीकरण, अब देखिए वेरियस रिस्पॉन्स के बाद सही प्रयास करने पर ये जो बाधा है वो दूर हो जाती है। अब बाधा जब दूर हो जाती है तो क्या होता है, जब बाधा दूर होती है तो उसको सुख की अनुभूति होती है, तो उसको प्रबलन मिलता है। तो यहाँ पे ये भी इम्पॉर्टेंट होता है सीखने के लिए कि आप उसको पुनर्बलन दें। इसके अलावा जो आपका पॉइंट महत्वपूर्ण है वो है संगठन एवं समानीकरण। अब संगठन एवं समानीकरण क्या है,
संगठन सामान्यकरण में उचित अनुक्रियाओं का संगठन करना। अब जैसे बहुत सारे उसने रिस्पांस किए, लेकिन जो रिस्पांस उसने किया, जो लीवर दबाया और वो बाधा को पार कर गई, तो वो रिस्पांस का जब तक वो संगठन नहीं करेगी कि हाँ हमने यही रिस्पांस किया था और बाधा को पार किया था, तब तक वो नहीं सीख पाएगी। तो यहाँ पे क्या करना कि जो सही अनुक्रियाएं उनका संगठन करना, और साथ ही साथ आपका उनका एकीकरण करना, मतलब सारे को एकीकृत करें। और सामान्यकरण मतलब अन्य परिस्थितियों में, अब एक ही पिंजरे में उसने सीखा, ठीक है, उसने एक ही पिंजरे के लिए सीख लिया, लेकिन आप जानते रहिए कि अब कभी भी वो किसी पिंजरे में जाए तो वो लीवर ज़रूर ढूंढे, उसको लीवर दबाना अर्थात दरवाज़ा खोलना सिखाना। अब बच्चे को किसी कमरे में बंद कर दिया तो कुंडी खोलना जब आप उसको सिखा देंगे तो वो कहीं भी जाएगा तो वो कुंडी खोजेगा। तो इसी प्रकार से हमें यहाँ पे एक अभिप्रेरित व्यक्ति, ठीक है, क्या एक अभिप्रेरित व्यक्ति जो कि विभिन्न अनुक्रिया करके एक बाधा को पार करता है सही अनुक्रिया द्वारा, और उन सही अनुक्रियाओं का संगठन एवं एकीकरण करता है, सामान्यकरण करके गोल तक पहुँचता है। तो इसमें कौन कौन से आपके चरण आए थे, याद रखिएगा, अभिप्रेरणा आया, ठीक है, लक्ष्य आया, अवरोध या बाधा, विभिन्न संभावित अनुक्रियाएं, पुनर्बलन, सबलीकरण, संगठन एवं सामान्यकरण। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है आपका सीखने का। एक काफ़ी सारे पॉइंट इसमें मैंने इंक्लूड किए हैं कि ये चरण हो सकते हैं, और भी कई चरण हैं, विभिन्न प्रकार से बच्चा सीखता है। इसके लिए आपको देखना होगा कि बच्चा कैसे सीखता है, वो बहुत सारे टाइप है, अनुकरण द्वारा सीखता है, पुनर्बलन द्वारा सीखता है, उद्दीपक द्वारा सीखता है, हाँ सूझ से सीखता है, तो बहुत सारे जो सिद्धांत आपने पढ़े। लेकिन एक माना जाता है कि एक अच्छे सृजनात्मक वातावरण का सृजन इस प्रकार किया जाता है। अब शिक्षक इसमें कौन सा रोल अपनाएगा, तो योजना बनाएगा, प्रबंधन एवं प्रशासन करेगा, ठीक है, तकनीकी का यूज़ करेगा, नवीन प्रयास करेगा जिससे छात्रों की सहभागिता बढ़े, मूल्यांकन करेगा, प्रतिपुष्टि लेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो शिक्षक को यहाँ एक पढ़ने के लिए अच्छे वातावरण के सृजन के लिए करना होता है। अभी अभिप्रेरणा में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पे अभिप्रेरणा में बहुत सारे पॉइंट हैं आपके, पुरस्कार एवं दंड हो गया, ठीक है, ये अलग है अभिप्रेरणा से, लेकिन पुनर्बलन से अलग है, लेकिन पुरस्कार एवं दंड आवश्यक है, ठीक है। पुरस्कार से क्या होता है, उसको सबल, उसकी क्रियाएं सबलीकरण होता है, और दंड से उसकी गलत अनुक्रियाएं क्या होती हैं, रुकती है। प्रशंसा एवं निंदा, सफलता असफलता, प्रगति का ज्ञान, प्रतियोगिता व सहयोग, सीखने की इच्छा, इसके अलावा वह आकांक्षा, नवीनता, अवधान व रुचि, कक्षा का वातावरण, आवश्यकता का ज्ञान, पाठ्येतर क्रियाएँ जो आपके पाठसहगामी क्रियाएँ होती हैं, सामवेगिक स्तर अनुरूप जागरूकता, कौन सा उसका स्तर है सीखने का, ये भी मूल प्रवृत्तियाँ, सुख और दुख, ये सारी चीज़ें हमें क्या करनी है, जाननी पड़ेगी अभिप्रेरणा के लिए। किसी को अभिप्रेरित किस प्रकार करेंगे, तो मूल प्रवृत्तियों द्वारा भी कर सकते हैं, सुख दुख जान के भी कर सकते हैं, जिससे इसे अच्छा लगता है उससे, उसके द्वारा, या जिससे इसे दुखी है उसको दूर करके, सामाजिक स्तर के अनुरूप वातावरण, कक्षा के वातावरण द्वारा। तो बहुत सारे आपके ऐसे तरीके हैं जिससे बालक को अच्छे से सिखाया जा सकता है और उसके लिए वातावरण का सृजन किया जा सकता है।